नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। विजय सरदेसाई ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आग्रह किया कि गोवा मुक्ति के 70वें वर्ष समारोह में शामिल न हो। 15 और 16 दिसंबर को साकली तथा परीय चुनाव क्षेत्रों को मर्यादित जलपूर्ति। जयंती नटराजन ने सोमवार को वास्को के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 5 कोस्टल पेट्रोल वेसल के 5वें स्वदेशी जहाज का लॉन्च किया। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होगा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 18 दिसंबर से होगी शुरू। शिवसेना विधायक ने कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया। कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई 17 दिसंबर को संभव। योगी सरकार का दावा, 4 साल में किसानों को किया 61,000 करोड़ का भुगतान। दिल्ली में राशन दुकानदारों को मार्जिन मनी के लिए 80 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र एटीएस ने अवैध बांग्लादेश प्रवासी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 8 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में स्थापित होगी जेटली की प्रतिमा। भारत में कोरोना मामले 99 लाख के पार।